भगवान चारभुजानाथ की जय हो। आप देख रहे हैं श्री चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर राजसमंद राजस्थान का दृश्य, जहाँ पर हमारा समाज का प्राचीन मंदिर है। यह और समाज का प्राचीनतम और विख्यात मंदिर है, जो आज भी राजसमंद की नगर में हमारी शोभा बढ़ा रहा है। उस 370 वर्ष पुराना हमारे यह प्राचीन मंदिर आज भी राजसमंद नगर की शोभा बढ़ा रहा है। पिछले कई वर्षों से हर वर्ष कुछ न कुछ नया यहाँ पे होता है, और आप देखें कि वर्ष 2020 और 21 में यहाँ पर टीन शेड का काम कंप्लीट हुआ, रेलिंग का काम कंप्लीट हुआ, और अभी 2022 में आप देखें कि रंगाई पुताई का काम जो है वो संपन्न हुआ है। समाज के दानवीर और भामाशाहों के सहयोग से पूरा रंगाई पुताई का काम कराया गया है। और ये पूरा सदर बाज़ार है, सदर बाज़ार के बीच बाज़ार में राजसमंद देवनगरी में हमारा ये समाज का प्राचीन मंदिर समाज की शोभा बढ़ा रहा है, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप देखिए कि समाज के सहयोग से यहाँ और भामाशाहों के जनप्रतिनिधि को सहयोग से कुछ न कुछ यहाँ पर नया होता ही रहता है, कुछ न कुछ दान करते रहते हैं जिसका सदुपयोग यहाँ पर होता है। पड़ोसी यहाँ पर छोटा बड़ा व्यवसाय करते हैं, वो भी इस मंदिर पर बहुत ही ध्यान देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी का यहाँ पर सुंदर मंदिर बना हुआ है और अति खूबसूरत मंदिर है बालाजी का। बालाजी मित्र मंडल, सदर बाज़ार व्यापार मंडल, सभी के सहयोग सरकार यहाँ पर मतलब कुछ न कुछ यहाँ पर नया करते रहते हैं। यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था, यहाँ की हर एक प्रकार के, आप देखिए कि कितना सुंदर आपने सजाया है, पूरा मार्बल वगैरह लगाकर पूरा बालाजी मित्र मंडल के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। तो राजस्थान की देवनगरी राजसमंद में हमारा यह प्राचीनतम मंदिर आज भी स्थित है। 1652 में जब महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में यहाँ पर नौ चौकी झील राजसमंद झील बनाई गई थी, उस समय से हमारा यह मंदिर है जो आज भी नगर की शोभा बढ़ा रहा है। इस पर देखिए आप, रंगाई पुताई का काम जो है वो हुआ है, और उसके बाद हमारा समाज का मंदिर निखर चुका है। बहुत ही सुंदर मंदिर और भव्य मंदिर है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि समाज के दानवीर भामाशाह ठीक है। तो प्राचीन बावड़ी है जो आज भी 370 वर्षों से समाज की शोभा बढ़ा रही है, और आप देखें कि ये प्राचीनतम बावड़ी का जीर्णोद्धार अप्रैल में 2017 में इस बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया था, और उसके बाद में जर्जर अवस्था में थी ये बावड़ी, और आज पूरी बावड़ी जो है बहुत ही कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही सुंदर रंगाई पुताई के बाद तोड़ खिड़की है। थोड़ा सा रंगाई पुताई का काम बाकी है, वो जल्दी ही भाई गणेश जी इसको संपन्न करेंगे। गणेश पेंटर के द्वारा यह सुंदर कार्य जो है वो किया जा रहा है, और आज आपको कुछ अनसुलझे रहस्यमय बातें भी आपको पता चलेगी कि यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने कुछ के कुछ तो यहाँ पर नया किया। ये ताके बनाई गई, ये ताके क्यों बनाई गई है उसके बारे में भी आपको जानकारी समय समय पे मिलती रहेगी। तो ये देखिए आप, बालाजी को यहाँ पर बावड़ी में भी स्थापित किया गया है। पूरी मंदिर बेरुजी बावजी, और इस तरफ गणेश जी,
तो मित्रों ये शिलान्यास है और बावड़ी का नाम इसको दिया गया है। आप सीधा इसको देख सकते हैं नज़ारा कि ओड़ बावड़ी का जीर्णोद्धार दिनांक 14 अप्रैल 2017 शुक्रवार को माननीय श्रीमती किरण महेश्वरी जी तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष श्रीमान सुरेश चंद्र पालीवाल जी सभापति नगर परिषद राजसभा एवं अर्जुन जी मेवाड़ा साहब उपसभापति नगर परिषद राजसभा एवं देविका पिष्कलंग उस समय के तत्कालीन वार्ड पार्षद और अभी वर्तमान में गुलाबी देवी जी मुरली जी के धर्मपत्नी हैं और सभी अतिथियों के अध्यक्षता में ये पूरा बावड़ी का शिलान्यास हुआ था जीर्णोद्धार कार्यक्रम। ये प्राचीनतम कबूतर खाना है जो राजा महाराजा के ज़माने से बना हुआ है। कबूतरों के लिए दाना डालने के लिए उस ज़माने में व्यवस्था की गई थी और धीरे धीरे इस व्यवस्था को राजसमंद के धर्म प्रेमी और प्रशासन इस व्यवस्था को फिर संजोए हुए संभाले हुए हैं और लगातार दाना पक्षियों को मिलता रहता है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है हाँ जी। तो मित्रों आप देखें कि कितना सुंदर और भव्य मंदिर है हमारा और आज मंदिर पे आने का अवसर मिला है। लगातार कलर का जो काम है वो लंबे समय से चल रहा था तो आज समय मिला है तो परिवार सहित तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये मंदिर की वो डोली जिसे कहते हैं ये डोली परिसर है पूरा पीछे तक जो लगे हुए हैं पूरा मंदिर परिसर की ज़मीन है जिसको लेकर समाज और पर पुजारी के बीच में भेदभाव चल रहा है। तो परम सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ आने का समय समय पर प्रभु की इच्छा से आने का अवसर मिलता है और आज एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ हमारे पूर्वजों ने कई वर्षों पहले एक पत्थर लगाया था जसमा माता जी के नाम का जो आज भी इस ताक में पड़ा हुआ है। आपको अगली स्टोरी में मैं आपको इसके बारे में पूरा वर्णन विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों अभी वर्तमान में आपको ये भगवान चार भुजानाथ की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है कार्य किया जा रहा है। कुछ बामाशाओं ने यहाँ पे मार्बल भी यहाँ पे बेट किया ये देखिए पड़ा हुआ है तो उनका कहना है कि ये मंदिर के लिए भी उपयोगित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बामाशाओं का जिन्होंने कुछ न कुछ यहाँ पर दान करते ही रहते हैं। तो 370 वर्षों से हमारे समाज की शोभा बढ़ा रहा है ओड़ समाज की शोभा बढ़ा रहा है सगर वंशों की शोभा बढ़ा रहा है भागीरथ वंशों की शोभा बढ़ा रहा है माँ जसमा के लाल पुत्रों की शोभा बढ़ा रहा है बेटियों और माताओं की शोभा बढ़ा रहा है हमारे यह प्राचीन मंदिर। आइए और इस मंदिर को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज के दर्शन भी आप जरूर करें। प्रभु विराजे हुए हैं पंखा अंदर लगा दिया गया है गर्मी नहीं लगे उनको। तो हमारे पूर्वजों ने आज से 70 वर्ष पहले
यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया था, तलघर था पूरा, नीचे लोग रहा करते थे और ऊपर की मंजिल पर प्रभु को विराजित किया था और कितने ही वर्षों तक वीरान पड़ा रहा, कई शताब्दियों तक कोई देखने वाला नहीं मिला। फिर बाद में जब धीरे धीरे पुजारी को नियुक्त किया, धीरे धीरे व्यवस्थाएँ होने लगी, तो फिर का जो है जुड़ोड़ने लगे। कभी यहाँ पे मार्बल लगाया गया, कभी गेट लगाए गए, कभी कांच के अंदर चढ़ाई की गई। आपको बता दें कि पहले बिल्कुल ही पत्थर लगे हुए थे अंदर, कांच की जड़ाई नहीं थी, और ये 1992 और 1993 के मध्य इसकी कांच की जड़ाई करवाई गई। उस समय कांच का एक अपना अलग ही प्रचलन था, कांच उस समय मंदिर की शोभा बढ़ाते थे, उसी ज़माने में ये कांच की कलाकृति 1992 और 1993 के मध्य ये कराई गई। जब मातृ का मंदिर जो कि चित्तौड़ ज़िले में है, वहाँ देवनगरी में मंदिर बना था, उस समय 90,000 रुपये की लागत लगाकर ये सारा काम समाज के लोगों ने किया था, जो मार्बल वगैरह रंगाई कुटाई सब काम उस समय 92 के सत्र में हुआ था। उसके बाद में एक बार और रंगाई कुटाई का काम और बीच में करवाया था। उसके बाद जो है भगवान चार बजानाथ सेवा समिति ने इसकी जिम्मेदारी ली और उसके बाद निरंतर यहाँ पर समाज के सहयोग से लगातार सम्मेलन के माध्यम से, समाज में जन जागृति के माध्यम से कुछ न कुछ यहाँ पर काम होता ही रहा है। मैं आपको बता दूं कि पीछे रखा हुआ वो जो पत्थर आपने देखा था, वो जसमा माता जी का पत्थर है, जिसकी हमें स्थापना करनी है, जिसका हमें वापस वहाँ पर हमें विराजमान कराना है, इसीलिए आज आपको उस स्टोरी के बारे में जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी बने रहें, आज प्रभु के दर्शन करने का आज को सौभाग्य मिलेगा। देखते रहे हमारा चैनल, लाइक करते रहे और इस प्राचीन मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दें। नमस्कार मित्रों और समाज के सभी परिवारजनों को नमस्कार प्रणाम। सभी कैसे हैं? सभी अच्छी होंगे, सभी मंगल। मैं आप सभी के लिए मंगलकामनाएं करता हूं। आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कथा आपके सामने समक्ष लेके आया हूं जिसे शायद आप नहीं जानते। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज मैं ऐसी माँ के ममता के प्रति आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद मुझे भी अभी अभी ख्याल में आई है, लोगों से बुजुर्गों के बात सुनी है, कि आपकी माँ जसमा जी की एक छोटी सी छवि पत्थर के रूप में। आप देखिए कि उस जमाने में जब हमारे पूर्वज आज से 370 वर्ष पहले जब यहाँ राजसमंद की इस धरती पर आए थे, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर ही सिंदूर और मालीपना लगा के उसी को ही हमारे देवी देवता को बनाया जाता था। आज के दौर में तो हम देखें कि हम तरह तरह की मूर्ति बना सकते हैं, तरह तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन उस समय गिने चुने कलाकार ही इस काम को करते। हाँ, बिल्कुल सही, आप सही और सत्य सुन रहे हैं। मैं आज आपको ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी आपको बताना चाहता हूँ जो सत्य और सत्य प्रमाण है। यहाँ के राजसमंद के निवासी कहते हैं कि आज से 370 वर्ष पहले राजसमंद में जब नौ चौकी पाल का निर्माण करना था, महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा अकाल था। गोमती नदी के ऊपर पुल बांधना इतना आसान नहीं था, लेकिन दो पहाड़ियों के मध्य टीला बनाकर उस काम को किया जा सकता था, लेकिन इसमें भारी लेबर की जरूरत थी और लेबर उस जमाने में लेबर तो थी, लेकिन एक तगारी से पराव कहाँ तक डाल सकेंगे, एक तगारी से मिट्टी डालना असंभव था। तो हम देखें कि हमारे और समाज के लोग उस समाज में गधे हाँकने का काम करते थे और उस जमाने में गधे हाँकने का लाद कर काम करना उस समय बहुत बड़ा प्रचलन था। उस जमाने में हम देखें तो हमारे एक बहुत बड़ी खोज इस काम को करती थी। सही बात बता रहा हूँ मित्रों की, हमारे बिल्कुल आप ध्यान से सुने कि हमारे उस जमाने में लोग कुएँ, बावड़ी, महल की दीवारें और पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को किलों तक पहुँचाना, पहाड़ों तक पहुँचाना, बड़े बड़े किले निर्माण करना, चोरों के निर्माण, चाहे मुगल बादशाह का काल रहा हो, चाहे हमारे हिंदू शासकों का रहा हो, चाहे वर्तमान का काल रहा हो, हर समय हमारे समाज के लोग और समाज के लोग अपनी मेहनत से जाने जाते हैं। खरी खरी कमाने वाले और खोटी खोटी खाने वाले समाज के लोग जाने हैं। हमारे लोग मेहनत मजदूरी करने में चट्टान को अगर टकरा जाते हैं तो चट्टान को भी भेद कर उसको सिंपल बना देते हैं। ऐसे क्रमवीर और ऐसे पराक्रमी लोग हैं हमारे और एक धर्मवीर की पहचान भी है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ और कुछ स्टोरी की
और जहाँ माता श्री की मूर्ति पड़ी होगी। फिर एक बार आपका फिर स्वागत है, और जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है छोटी सी तार है, और इस तार को लगभग 20 वर्षों से मैं भी इसको देखता आया हूँ। मैं बता दूँ आपको कि जिस जमाने में मैं यहाँ आया था, तो एक सन 2000 में तब इस मंदिर की खुदाई का काम नहीं हुआ था, और यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना हुआ था। फिर बाद में जब मैं देखूँ कि धीरे धीरे समाज के लोगों ने खुदाई का काम करवाया है, कलर का काम करवाया है, और सन 2000 के बाद में काफ़ी यहाँ पे विकास कार्य हुए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में हमारे के लोगों ने यहाँ पे मूर्ति प्रदर्शित की है पत्थर के रूप में, और इस पत्थर का वजन अगर देखें तो बहुत ही भारी वजन है, शायद इसे उठाना मेरे हाथ बस का रोग। देखने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये वो पत्थर है, और वजन जो होगा हम 10 किलो का उससे का वजन होगा, क्योंकि मेरा कि इस पत्थर को बेच नहीं पा रहे हैं, इसका वजन जो है वो सेल नहीं करने पा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि पड़ोसी की ये माँ दशमा जी की जो है उस समय की प्रतिमा जो उसको ये मंदिर के किसी के लगी हुई थी, लेकिन समय यह मंदिर जर्जर अवस्था में होता रहा, इसीलिए इस मंदिर की जो प्रतिमा है ये आज भी देखिए आप बिल्कुल ऐसी जैसी पड़ी हुई है। बार यहाँ चले थे और ये प्रतिमा कभी वहाँ साइड में पड़ी रही, कभी इधर पड़ी रही, उधर पड़ी रही। मैं भी कई बार इस प्रतिमा को इधर से उधर रखता रहा, कभी ख्याल नहीं आया कि प्रतिमा है किसी। जब मुझे पता चला आसपास के बुजुर्गों ने बताया कि माता की मूर्ति है, जैसा कि आप वजन देखें कि ये पत्थर बड़े छोटा है, शायद हम 50 किलो का पत्थर या 30 किलो को भी शायद इतना वजन नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा इसका वजन है, और मेरे हाथ इस वजन को ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको कहाँ से उठाइए वहीं इसको वापस विराजमान कर देता हूँ। न जाने कितने ही वर्षों से, और ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्थर भी कोई आम पत्थर नहीं है, ये किसी काशी जैसा पत्थर है, कहीं कहीं से दूर दराज से इस पत्थर को लाया गया है, और ये पत्थर स्थापना के लिए आज बस रहा है, और इस पत्थर में कहीं कहीं हमारी महाकेश्वरी की जो अंश है वो कहीं कहीं इसमें विराजमान है। बहुत ही बाद में ये पता पड़ा है, करीब 18 से मैं भी आता रहा हूँ, और 18 सालों में पहली बार पता लगा कि इस प्रकार से हमारी मातेश्वर की मूर्ति ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है। तो मैंने समाज के धर्मवीरों से आग्रह किया है कि इस मूर्ति को हमें मंदिर पे, यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाकर इसी मूर्ति को और एक नई मूर्ति बना के बिल्कुल जसमा माता की और माँ जसमा जी की अच्छी प्रतिमा लगाकर इसको विराजमान किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक शाम मातेश्वरी के नाम और एक शाम ठाकुर जी के नाम महाभजन संध्या का आयोजन करेंगे। मुझे लगता है कि ये माँ की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है कि धीरे धीरे हमारे समाज में धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, और धीरे धीरे और भी हमारे समाज में अच्छे काम होंगे। जब तक हम अपने पूर्वजों को, जब तक हम अपने माँ सती को स्थान नहीं देंगे, और जहाँ जहाँ मंदिर बने हैं, जहाँ जहाँ मंदिर हुए, वहाँ व्यवस्थाएँ बदली है, वहाँ दिशा बदली है, और धीरे धीरे जो है पूरा है। तो हम चाहते हैं कि इस मंदिर के लिए, मंदिर बनवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें। एक छोटा सा मंदिर अगर होगा और उसका प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस मंदिर को अगर हम बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर कहाँ है, ये भगवान चार भुजानाथ क्षत्रिय ओर समाज प्राचीन मंदिर राजसमंद देवनगरी राजस्थान के अंदर स्थित है, और मुख्य बाजार या राजसमंद का बाजार है मुख्य बाजार, इसी बाजार के बीचों बीच हमारे ये प्राचीन मंदिर स्थित है। और उस जमाने में जब हम आए थे तो ये पूरा जर्जर अवस्था में था, यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं था, राम भरोसे और प्रभु के भरोसे यहाँ पर गाड़ी चलती थी, गुजरी थी है, वो हम सेवा मात्र करते हैं, उनको ज़्यादा कोई लेना देना नहीं इस मंदिर से, और समाज के लोग यहाँ पर खा के एक बार आते हैं, मंदिर में दर्शन कराते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। एक दिन का यहाँ पर उनका एक दिन का नहीं, सुबह वो 3 आते थे और शाम को 6:30-7 वापस यहाँ से निकले, यानी देखे तो हम 4 पूरे 365 दिनों में यहाँ समाज के लोगों की 4 या 5 की भागीदारी रही है। बीच में कुछ विवाद भी हुए हैं यहाँ पे, समाज के लोग कुछ पंच पटेलों में मतभेद हुआ है, मेवाड़ और मारवाड़ को लेकर भेदभाव हुआ है, चित्तौड़ और उदयपुर को लेकर भेदभाव हुआ है, मतभेद हुए हैं, कुछ अपनी पंचायतें वो उनका कुछ कहना अलग था, उनकी पंचायतों को कहना कुछ अलग था, दोनों की पंचायतों के बीच में
जब से भगवान चांद जगह सेवा समिति के अच्छे कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई है तब से ये व्यवस्थाएं ठीक हुई है, जब से ये व्यवस्थाएं खत्म हुई है उनकी प्रतिष्ठाएँ भी कहीं कहीं समाप्त हुई है। हम देखे कि उनके कार्यकाल में हम देखे थे इस मंदिर के चारों ओर उन्होंने लोहे की दीवार लगवाई थी, लेकिन वो उनका जो मकसद था इस मंदिर को कब्जा करना था, ना कि हम किसी मंदिर को कब्जा नहीं कर सकते, ये दर्शनार्थी है भगवान ठाकुर जी को कुछ भेद नहीं कर सकता। तो उस जमाने में भी आप देखिए कि सामने लगी हुई एक रेलिंग है, आज के ये पुरानी पुरानी जो रेलिंग है पूरा रेलिंग लगी हुई है पूरी, उस तरह से इसको मंदिर को पूरा से पूरा पैक कर दिया गया था और बाद में यहाँ के नगर परिषद और क्षेत्रीय प्रशासन ने इसको पुनः खोल दिया गया, आधी रेलिंग तो हटा दी गई और आधी समाज के लोगों ने क्या किया पता नहीं है, लेकिन जब से यहाँ पर सेवा होने लगी है तब से यहाँ पर लोगों की आस्थाएँ बढ़ी है, यहाँ आसपास के लोगों की इतनी आस्था बढ़ी इस मंदिर को लेके कि वो भी अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, वो भी अपना अतिथि संस्कार करना चाहते हैं, वो भी आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस मंदिर के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के हमारे तीन पार्षद हो गए हैं, पहले वाले पार्षद साहब रामेश्वर जी, दूसरे जो हमारे निष्कलंक जी थे और अभी तीसरे हमारे गुलाबी भाई जिनके पति हैं मुरली जी, उनका भी बहुत बड़ा यहाँ पे सहयोग रहा है, तीनों पार्षद का बड़ा सहयोग रहा है, हमारे स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी जो कि हमारे यहाँ नगर विधायक थी उनका बहुत बड़ा सहयोग था, अभी जो उनकी बेटी है वर्तमान में दीप्ति महेश्वरी जी उनका बहुत बड़ा सहयोग है, पूर्व सभापति और वर्तमान सभापति उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है और विशेष समाज का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने इस मंदिर के लेके आस्था को लेकर चिंतित थे, परेशान थे कि इस मंदिर की देखरेख कौन करे, क्योंकि ये हमेशा चित्तौड़ और उदयपुर के बीच में एक विवादित स्थल रहा है, कभी चित्तौड़ वाले यहाँ के काम करते थे तो कभी उदयपुर वाले यहाँ करते थे, इसका बीच का रास्ता हमने निकाला और चित्तौड़ के लोगों को, राजसमंद के लोगों को, उदयपुर के लोगों को और तमाम जितने भी आसपास के जिले हैं सभी के लोग कार्यकर्ताओं को अच्छे लोगों को साथ से लेके इस मंदिर का काम शुरू किया और धीरे धीरे हम देखें कि सभी कर्मवीरों ने सभी ने भागीदारी निभाई और आज इस मंदिर को मूल रूप पहन के हमने प्रदान करने में हम सबकी भागीदारी रही है। समय समय पे इसको देख रहे, महीने में एक से दो बार यहाँ पे आना ही पड़ता है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे भगवान चार चौपूजानाथ समिति के सदस्य हैं वो आते हैं, यहाँ पास में ही 15 किलोमीटर दूर पे कमलेश भाई रहते हैं, कमलेश और वो यहाँ पे लगातार देख रेख करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम हो या ना हो लेकिन आज यहाँ के जो पड़ोसी हैं सदर बाजार व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं, बालाजी मित्र मंडल के जो सदस्य हैं, वो लगातार इस मंदिर को लेकर बहुत ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। नमस्कार मंदिर, तो लगातार मंदिर पे सेवा कार्य जो है वो लगातार चालू है, इस मूर्त का हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि पत्थर ही नहीं है, इसके अंदर पत्थर के अंदर हमारी बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई है, तो एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहते हैं, कभी उठाया कभी उधर उठाया कभी मार के क्या होगा इसका बाद में हम तो देखा है, अब ठीक करेंगे ना, कैसा लगता है आपको, कैसा लग रहा है हमारे साथ में, नाम क्या है, चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ में है और बालाजी मित्र मंडल के एक अच्छे भक्त है और गोपाल मंदिर के भी आप सदस्य भी हैं, कैसा लगता है आपका मंदिर इतना भव्य रूप से सजा हुआ, एक जमाने में ये तो बाथरूम घर था, देखिए मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ एक ग्रुप में आते हैं और ये हमारे जो पड़ोसी माँ बाप है यही इस मंदिर से रहते हैं, ठाकुर जी का ध्यान भी यही रखते हैं, हम तो खाली ध्यान भी रहते हैं, ये अपने ध्यान रखते हैं, वो मुझे पता है तो ठीक है, प्रभु की सेवा करने का हम सबको मौका मिल रहा है और हम सब मिलकर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आशा है कि आप इस मूर्ति को लेकर जरूर गंभीर होंगे और इस मूर्ति के लिए, इस मंदिर के लिए जो भी आपसे बन पड़े सहयोग हो जरूर दीजिए, तन मन धन के साथ दीजिए ताकि मंदिर अच्छे से अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान ठाकुर जी महाराज की कृपा आप सब में बनी रहे, फिर मिलेंगे नई स्टोरी में नए जोश के साथ, सब तक के लिए नमस्कार, जय ठाकुर जी की, जय संभाल। तो आप देखिए कि ये पूरा मंदिर परिसर है हमारा, ये पीछे जमीन भी है, ये बावड़ी है पूरा, और इस जगह इस मंदिर की पूजा हमें
स्थापना करनी है। माँ जसमा की मूर्ति जो है वो ये कही जा रही है। पड़ोसी भी कह रहे हैं कि ये जसमा माता की मूर्ति जो है वो है। तो आपको ज्ञात होगा कि उस जमाने में इस तरीके की मूर्तियां मिलती थी। भगवान चार भुजानाथ जी की मूर्ति भी आप देखेंगे तो उस जमाने में इतनी सुंदर कलाकृति है। आज तो आधुनिक में तरह तरह की मूर्तियां बनाई जाती है, लेकिन उस जमाने में भी मूर्ति बनाना एक बहुत बड़ी कला थी। तो देखें, मूर्ति कला में हमारा भारत नंबर वन रहा है सदियों से। और जो लोग मूर्ति में असमर्थ थे वो पत्थर पर सिंह लिपना लगा के उस सेवा पूजा किया करते थे। तो मित्रों, मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इन बातों को ज़रूर ध्यान देंगे, और जिस प्रकार से सभी धर्म प्रेमी सहयोग कर रहे हैं आप भी ज़रूर करेंगे। और ये आप सभी का, हम सभी का मंदिर है, पूरे समाज का मंदिर है, पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों का मंदिर है। आप इसको अपनी धरोहर, अपनी संपत्ति समझकर यहाँ पर तन मन धन दान करें और यहाँ पर आते रहें समय समय पर, आपकी अपनी धरोहर को बचाने के लिए प्रयास करें। और ये बहुत ही सुंदर धरोहर है, ऐसी धरोहर पूरे विश्व में हमारे समाज में कहीं नहीं होगी, इतने मुख्य बाजार में जो आज यहाँ नगर में शोभा बढ़ा रही है। कुछ ही देर में बरसात आने वाली है, ठंडी ठंडी, और बादल गरजने लगे हैं। और पिछली बार इसी गरजती हुई बिजली बादलों के में आप वीडियो देखेंगे तो हम जब मशीन लगाने आए थे बजने वाली, तो वो भी दृश्य ऐसा ही था। यहाँ पानी भरा हुआ था और देखिए यहाँ नाली ख़राब थी, तो पार्षद साहब ने नाली बिल्कुल नहीं बनवा दी है। कहीं कहने का मतलब है सभी की भागीदारी बराबर है। नमस्ते, जय हो।
नमस्कार मित्रों, एक बार आपका पुनः स्वागत अभिनंदन है। भगवान चांद जना छत्री और समाज प्राचीन मंदिर क्योंकि हमारा 170 वर्ष पुराना मंदिर है और इस देवनगरी राजसमंद में समाज की शोभा बढ़ा रहा है, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसी क्रम में हमारे साथ में हमारे पार्षद प्रतिनिधि मुरली जी हमारे साथ में हैं और मुरली जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि मुरली जी ने तन मन और धन, आप पार्षद तो अभी रहे लेकिन पार्षद नहीं थे उस समय, पहले भी आप प्रभु की भक्ति करते रहे हैं और मंदिर में विकास की सेवा करते रहे हैं। इस बार अवसर मिला है और आपको पार्षद प्रतिनिधि बनने का मौका मिला है, तो इसका भी आप पूरा पूरा लाभ जो है हमें मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसा कि मुरली जी ने वादा किया था कि आने वाली जल जुलनी पर आपको ये पूरा टीम शेड जो है आपको मिलेगा और हम देखें कि वर्ष 2021 में काम शुरू होकर धीरे 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 वर्ष 2022 तक जो देखिए इस बार काम पूरा हो चुका है। आप टीम शेड दिखाएं, पूरा होकर दिखाओ, पूरा टीम शेड जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये समाज के लिए धर्म प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाज के बाबाचाओं ने भी यहाँ कमी नहीं रखी, बाबाचाओं ने भी पंखे दिए हैं, बजने की मशीन लगाई है, समय समय पर समाज के मामाचा भी अपना दिल खोल कर दौलत भंडार लेते रहते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में धर्म प्रेमी पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 4 राजसमंद देवनगरी वार्ड नंबर सात से मुरली जी है। मुरली जी से निवेदन करेंगे, थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से धर्म का संदेश दिया जा रहा है और आपने पूरे टीम सेट को बनाने में साथियों, काम करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और कोशिश करने वालों के लिए हार नहीं होती है। सीधा ही पाँचों फोन को मान लो अगर दिया है बेटा, तो देखें कि हम वर्ष 2017 से ही लगातार मंदिर विकास का काम शुरू हुआ। एक बार मुरली जी का फिर स्वागत है, सभी और समाज के समाज बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आपके समाज का मुख्य रहे, आप सभी बधारे, हमारे लाइफ कोई सेवा हो तो हमें भी बताएं। को कहा था कि यार हमारे ये समाज के लोग आते हैं ना, वो ये कार्यक्रम करते हैं, हमारे व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा, यहाँ से पानी पीता है ना, हम बैठ नहीं पाते हैं। मैंने उनसे उसी समय वादा किया था अगली जल जीवन से पहले आपका ये कार्य हो जाएगा और 2 महीने पहले ही ये कार्य सम्पन्न हो गया था। अभी तक तो जमीन से 2 महीने और भी मेरे लायक कोई काम हो तो आप बताएं, मैं बिल्कुल सर तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी का और आपकी प्रेम का समय मिले, आपका समर्थन आपका सहयोग मिलता रहे। भगवान चार भुजनाथ का यह प्राचीन मंदिर जो कि 170 वर्षों से महासमंद की शोभा बना रहा है, समाज की शोभा बना रहा है, बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमें इस युग में कल्याण कितने दशकों में हमें यहाँ काम करने का मौका मिला है, सेवा करने का मौका मिला है और समाज की सेवा का मौका मिला है, प्रभु की सेवा करने का मौका मिला है, हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति थी उसे संरक्षण करने का जो है मौका मिला है।
धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर मंदिर में हमेशा विकास काम में सहयोग देते रहते हैं और विकास में भागीदारी दिखाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बालाजी मित्र मंडल को, जो कि यहाँ पर धर्म प्रेमी के रूप में काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे सदर बाजार व्यापार मंडल को, जिन्होंने हमेशा इस मंदिर के प्रति, भगवान बालाजी के प्रति परम निष्ठा और धर्म के प्रति रखते हुए मंदिर में विकास कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पे देखिए, चाहे बालाजी की जयंती हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे राम भक्त जयंती हो, चाहे अयोध्या में कोई मंदिर में सभा कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पे भव्य कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसी मंदिर परिसर में ये काम आने लगा है। पहले एक जमाना था कि समय था कि यहाँ बैठने का योग्य स्थान नहीं था, लेकिन हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि यहाँ का इस मंदिर का जो लाभ है, मंडल वाले यही है, व्यापार मंडल के साथ यही है, तो वाले है ना, ये भी बहुत ध्यान देते हैं। ये हमारे जगदीश जी है, जो कि अपना छोटा सा एक व्यवसाय करते हैं, ये बहुत ही धर्म प्रेमी है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कोई भी अतिथि आते हैं उनको बिना चाय से नहीं जाने देते, कितना बड़ा प्रेम है, तो बिना चाय के नहीं जाते थे। ऐसे धर्म प्रेमी को मैं बारम्बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और भगवान खुश रहे। तो मित्रों, इस मंदिर के विकास के लिए सभी का सहयोग है। मैं पूर्व हमारे पूर्व विधायक श्रीमती किरण महेश्वरी जी, जो कि हमारे राज्य मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे थे, उन्हीं की प्रेरणा और उनके कर्ण कमलों से ही ये मंदिर जो है भव्य रूप का सुरक्षा लिया है। 2017 में वो स्वयं यहाँ आए थे और 2018 में भी वो आए थे, 2019 में भी वो यहाँ पे थे। कोविड में उनकी जो है अस्मृत जो है सुरवास हो गया, और अभी हम देखें कि उनकी जो वर्तमान में उनकी बेटी है दीप्ति महेश्वरी जी, वो पूरा इस मंदिर में सहयोग दे रहे हैं। आप सभी के सहयोग से, नगर परिषद के सहयोग से लगातार इस मंदिर पर सर्वांगीण विकास की भागीदारी रही है। मैं आप सभी का कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं स्वर्गवासी किरण महेश्वरी जी की स्वर्गवासी आत्मा के चरणों में नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपने हमारे इस भगवान की सेवा करने का आपको अवसर मिला, परमपिता परमेश्वर आपको आत्मा के शांति प्रदान करें। और समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ये हमारी एकमात्र प्राचीन धरोहर है, आइए इसको देखिए, इसको संजोइए। सारे यहाँ के लोग, जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं, वो यहाँ पे चिंतित है, आप भी चिंता कीजिए और अपने धरोहर को बचाने के लिए आप भी आगे आइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमें विकासशील बनाकर समाज के संदेश देना है। समाज की सबसे पुरानी और प्राचीनतम एकमात्र धरोहर है, पास में बावड़ी बनी हुई है। कहते हैं कि जिस जमाने में यहाँ लोग नहीं हुआ करते थे, नगर तो था लेकिन पानी नहीं था, जल संकट था, उस समय एक दुनिया ये पूरी बावड़ी खोद कर अगर किसी ने पानी पिलाया तो और समाज के लोग हैं, ये और समाज के लोग अलग अलग कबीलों में रहा करते थे, अलग अलग सरदारों के में काम किया करते थे। यहाँ तमाम जितनी भी बावड़ी खोदी गई है वो और समाज द्वारा खोदी गई बावड़ी है, क्योंकि उस समय भी और समाज चट्टानों को भेद कर कैसे उसमें से पानी निकालने की जो क्षमता थी, शक्ति थी, वो उनके समाज के लोग ज़्यादा जानते थे। पत्थर को तोड़ने की विधि उनके पास बहुत अच्छी थी, वो एक कुशल इंजीनियर भी थे, एक कुशल जो काम के योद्धा भी थे, इसीलिए राजा महाराजाओं ने उनको क्षत्रिय की उपाधि दी है, सगरवंशी कहके उनको संबोधित किया है और हम सगरवंशी कहलाते हैं। और बड़े आज देखें कि हम धीरे धीरे समाज में सगर सम्राट जयंती मनाने लगे हैं, हम भागीरथ महाराज की जयंती मनाने लगे हैं, माँ जसमा जी की पूजा अर्चना मंदिर बनाने लगे हैं और भव्य रूप से भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। जब मैं कोलायत में गया था तो वहाँ देख के मैं दंग रह गया कि किस प्रकार से वहाँ भागीरथ महाराज जी की और माँ जसमा जी की एक साथ दोनों की मूर्तियाँ लगाई गई। कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से हमारा नाता जुड़ा हुआ है और बहुत ही भव्य मंदिर जो है कोलायत में बना है। मैं कोलायत के सभी धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। यही मैंने नज़ारा जो है अलीगढ़ में देखा, जहाँ पे ओटर महाराज की प्रतिमा लगाकर वहाँ समाज को एक जागरूकता का संदेश दिया। अभी गुजरात में अभी 1 तारीख को बोटाद में मंदिर का प्रारंभ प्रतिष्ठा होने वाली माँ जसमा जी की, तो उनके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर समय मिला तो उस कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे। लेकिन मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि गुजरात के कई शहरों में माताश्री के मंदिर, माँ जसमा के मंदिर बन चुके हैं। अगर आप भी कहीं रहते हैं और कम संख्या में, अधिक संख्या में हैं,
माधेश्वरी के मंदिर बनाकर अपने पुत्र धर्म को साकार कीजिए, अपने पुत्र भक्ति माँ के प्रति साकार कीजिए। माँ जसमा जी हमारी सती माँ है और कुल देवी भी उनको कहा जाता है। माँ जसमा जी के मंदिर जरूरी होना चाहिए, इसलिए प्रतिमा पड़ी हुई है सती माता के नाम से पड़ी हुई है। अब सती माता है हमारी जसमा जी की होगी तो उनकी मंदिर जो पूजा है वो भी हमें करनी है। उसके लिए भी दानदाता से निवेदन ही आगे आए और इस प्रतिमा को हमें लगाना है, इसको हमने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके छोटे से मंदिर में सजाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान सार्वजनिक जी की नाथ जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे और अगली आने वाली जलजुनी एकादशी 5 सितंबर 2022 और 6 सितंबर 2022 को आप जरूर पधारें। 5 सितंबर 2022 को आप सुबह इस मंदिर पर गुजारें और आप भी इस मंदिर में एक दिन का आप समय का श्रम दान करके यहाँ मंदिर के चारों ओर देखें। एक दिन पहले आने से आपको सारी चीज़ बता रहे और उसी शाम को 5 तारीख को भव्य भजन संध्या होगी। जोधपुर की सारी टीमें आ गई, जोधपुर के हमारे समाज के अंबालाल जी गुरुदेव, तो अंबालाल जी नोथा गुरुदेव हैं, उनके नेतृत्व में जोधपुर समाज के द्वारा इस बार ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और अगली बार हम बीकानेर को मौका देंगे। इसी प्रकार संभाग वही हर साल एक संभाग एक बार कार्यक्रम करें और एक शाम ठाकुर जी के नाम महाभजन संध्या का कार्यक्रम का आनंद प्राप्त करें। उनको भी लगे समाज के लोगों को हमारा भी कोई अपना मंदिर है और राजसमंद देव नगरी में स्थित है और वहाँ हमें जाना है, इसी प्रेरणा उनके मन में उत्पन्न हो ताकि वो यहाँ पे भी आए और प्रभु की सेवा करने का आनंद करें। ये हमारे पूर्वजों ने उस समय ये मंदिर बनाया था तो पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस मंदिर पर अवश्य पधारें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ में मुरली जी है, मुरली जी हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि है और बहुत ही सुंदर कार्य आपने करवाया है। पूरा टीन शेड लगवाने में आप बहुत बड़ा सहयोग किया है, 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा करके ये पूरा टीन शेड मंदिर को आपने गिफ्ट किया है। और अभी कलर का काम चल रहा है जो हमारे आदरणीय अंबेरी के मदन लाल जी, उनके पिताजी हीरालाल जी के द्वारा 25,000 रुपये की राशि दी गई, उससे ये पूरा रंगाई पुताई का कार्य कला है। अभी राशि कम पड़ रही है तो और भामाशाहों से बात की गई है तो शेष राशि भामाशाहों से और जो है वो प्राप्त की जाएगी। तो करीब इस मंदिर में रंगाई पुताई में 40,000 रुपये तक का खर्च जो है वो होने वाला है। तो आशा है कि समाज के लोग 15,000 की और व्यवस्थाएँ और करेंगे अतिरिक्त। इसके साथ ही देखिए छोटा मोटा काम और है, थोड़ा गिट्टी का काम है, थोड़ा सा पीछे गिट्टी और करवानी है तो उसके लिए भी पार्षद जी को हमने पूरा अवगत कराया है कि ये इतना सा काम और हो जाएगा तो और अच्छा होगा। तो आगामी आने वाली जलजुनी एकादशी पर आपको बहुत बड़ा सौगात यहाँ पर मिली है, ठाकुर जी के मंदिर में सौगात मिली है, हमें इस सौगात का पूरा पूरा लाभ उठाना है। और ये प्राचीन बावड़ी, समाज के लोगों भक्तों से जब भी आग्रह किया है, आप देखें कि पंखे दिए हैं उन्होंने, मशीनें दी है, कुछ न कुछ प्रभु के चरणों में समर्पण किया है। भाई विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय समय पर फोटो भेजते रहते हैं और समाज के लोग इस फोटो को देखते रहते हैं और जय श्री कृष्ण लिखते रहते हैं। सभी को नमस्कार। जय चार पूजा की सभी और समाज से निवेदन है कि यहाँ पे आए आसमान मंदिर पे, अच्छा हो गया, पूरा मंदिर का कलर हो गया है, बैठने की व्यवस्था भी अच्छी है, पास में लोगों के लिए आराम से आए दर्शन करके जाए मंदिर पे। जल जुलती एकादशी आए, सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग समाज से आए और प्रोग्राम को अच्छा अच्छा कराए। अभी क्या क्या काम करवाया? अभी उसमें पूरे मंदिर पे कलरिंग हुआ है, हुई है पेंट, रेलिंग पे पेंटिंग हुई है, ऑयल पेंटिंग हुई है, बावड़ी का कलर किया है। तो टीन शेड डलाने से कोई फायदा हुआ है? टीन शेड डलाने से बहुत फायदा हुआ है, जब गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तो उसमें बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, स्टूडेंट वगैरह, उनके खाने पीने की व्यवस्था आराम से आप हो जाती है, कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम हो सकता है आराम से, 500 लोगों का प्रोग्राम आराम से आप हो सकता है। तो ये विष्णु भैया है और विष्णु भैया लगातार जो है हमारे को फोटो भेजते रहते हैं, मंदिर के बारे में भेजते रहते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं, सबसे अच्छा है ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है।
पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद का आप सभी अतिथियों का स्वागत भी करते हैं और मंदिर को लेके आप पूरा ध्यान रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा भगवान चारभुजनाथ जी का मंदिर, सुंदर मंदिर। तो साथियों जरूर आए और मंदिर के इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोगों तक इसकी बात को पहुँचाएं कि हमारा प्राचीन मंदिर भी है। तो दोस्तों ये हमारे पुजारी जी भगवान चारभुजनाथ क्षत्रिय ओड समाज प्राचीन मंदिर के पुजारी जी और पूरा परिवार हमारा आया है मंदिर पर दर्शन करने के लिए। दर्शन किए हैं, प्रभु की आराधना की है, काफ़ी आनंद आया है और छोटा मोटा का विकास का काम को लेकर चर्चा हो गई है और हर बार आते हैं, कुछ कुछ नया देखने को मिलता है। और हमारे पुजारी जी का धन्यवाद कि इसमें बराबर सहयोग, सभी ओड भक्तों को राम राम। राम राम, सब बढ़िया है, सब अच्छे रहे, सुखी रहे और मंदिर पे आते रहे, मंदिर पे आते रहे, दर्शन करो। हाँ दर्शन करते हैं, आप जरूर बता रहे, धन्यवाद। राजसमंद 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 बताया नहीं जाता। नमस्कार मित्रों, राजसमंद का खूबसूरत दृश्य, खूबसूरत है इतना बताया नहीं। तो खूबसूरत राजसमंद, देवनगरी राजसमंद। हेलो एवरीबॉडी मित्रों, तो आइए खूबसूरत राजसमंद को दिखाते हैं। तो राजसमंद की खूबसूरत नौचौकी, मित्रों राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकी झील कर पूरा पूरा आज आनंद लेने का मौका मिला है। आप सभी भक्तों को नमस्कार। राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकीपाल अपने नाम से ही जानी जाती है, बहुत ही बड़ा जो है सागर का पूरा डैम है और महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में इस नौ चौकीपाल का निर्माण कराया गया था। बहुत ही सुंदर और भव्य नौ चौकीपाल है और समय समय पर यहाँ आने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है। ऊपर मातेश्वरी का मंदिर है, इधर भी पानी चारों ओर और उस तरफ देखें तो काफ़ी मंदिर बने हुए हैं। गेवर माता का मंदिर बना हुआ है और सुंदर सी पूरी। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, सब कैसे हैं, सब अच्छे हैं। तो राजसमंद की ऐसे प्रसिद्ध नौ चौकीपाल पर आज आने का अवसर मिला है और खूबसूरत की पाल है और मैं इससे ही मैं आपके समक्ष बताने वाला हूँ। मैं तो इतिहास से जुड़ी हुई बातें कुछ इस प्रकार है कि राजसमंद की जो ये नौ चौकी जो आप झील देख रहे हैं, ये जितने भी चरोके हैं, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, आप देखेंगे कि ये सभी नौ इंच पे बनाई गई है। सबकी कलाकृति नौ नौ इंच पे द्वारा निखारी गई है। सुंदर झरोके और पूरी कलाकृति संगमरमर के पत्थर के साथ इसको उतरी गई है। आपको बता दें कि इसका जो निर्माण है, ये गोमती नदी का जो पानी है वो सारा जो है सीधा
नीचे की ओर चला जाता था, तो उस पानी को आखिर कैसे रोका जाए, उसके लिए एक सुव्यवस्थित योजनाएं बनाई गई। अब योजनाएं तो बना दी गई, लेकिन महाराणा राज सिंह जी का जब 1652 जब उनका कार्यकाल आया, तब उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर इतने बड़े धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, इतना बड़ा पैसा कहाँ से होगा, कहाँ से ये व्यवस्था करेंगे। तो उस समय मुगल बादशाह जो है वो औरंगजेब गद्दी पे विराज बैठा हुआ था, दिल्ली की गद्दी पे, सहायता मांगी गई और रणछोड़ सब में वर्णन करते हैं कि उन्होंने मुद्रा ले इस का जो है मान क्या था। इसी क्रम में आखिर ये झील का क्या है, झील में इस लोगों ने कहा है, तो मैं आता हूँ, काफ़ी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका ली। सबसे पहले इस विशाल झील से मिट्टी खोद कर, है ना, मैं आपको बताऊँ इतनी बड़ी झील है, इस झील से पूरी मिट्टी खोद कर एक बड़ा, सामने की तरफ भी टीला बनाना था, इस तरफ भी तो ये पूरी पहाड़ी क्षेत्र है, इधर दो पहाड़ियों के मध्य, उस तरफ भी एक एनीगेट बनाना था और इस तरफ भी एक एनीगेट बनाना था। दोनों एनीगेटों को बनाने का एक चुनौती थी, क्योंकि ये जो बनने वाली थी जो है करीब 500 अधिक क्षमता वाली बनाई थी, पानी शराब बराबर क्षमता देखिए बहुत ज़्यादा है इसकी, कभी भी छोटे मोटे टीले बह सकते हैं, टूट सकते हैं, मजबूत टीले के साथ ही। आखिर कैसे इस काम को किया जाए, तो उन्होंने सुना कि भाई एक ऐसा समाज है जो गधों चलाकर जो है खुदाई और भराई का काम में बड़ा माहिर है, तो उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि आप यहाँ से खुदाई कीजिए और खुदाई बनाकर के जो है अकेले बनाने में पूरा सहयोग कीजिए। तो और समाज के लोगों ने यहाँ से गधों के द्वारा लाद कर मिट्टी को भर के और टीले बनाने का पूरा भराई करने का काम शुरू किया। हम देखते हैं कि जैसे जैसे भराई होती गई, जैसे जैसे काम चलता गया, और सिलावट समाज के लोगों ने जो कि कलाकृति में बड़े ही माहिर थे, उस्ताद थे, उन्होंने इस कलाकृति को पूरा निखारा है। सुंदर डिज़ाइनों के साथ, झरोखों के साथ काम चलता रहा, संगमरमर और वाइट मार्बल के साथ इस काम का बहुत ही खूबसूरत कलाकृति की गई। और देखें कि धीरे धीरे इस पाल का जो काम है, लगभग 14 वर्षों तक इसका काम चालू रहा। 14 वर्षों में हम देखें कि यहाँ जो सती माता, क्योंकि ये पाल टूट रही थी, बार बार टूट जाती थी, बनाते थे टूट जाती थी, तो उसके लिए जेवर माता, सती माता, क्योंकि उनकी समाधि वहाँ पर बनी हुई है पूरी, उन जेवर माता ने भी अपना बड़ा बलिदान दिया, उनके पति ने बलिदान दिया, उनका भी मंदिर ऊपर बना हुआ है। यहाँ मेवाड़ में हम देखें कि इतने कई लोग हुए जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा, हर समाज का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका योगदान रहा है, इसीलिए आज इतनी बड़ी भव्य सुंदर एक झील जो है उस समय मिली है। उस समय और समाज के लोग इतने पराक्रमी और इतने बलशाली थे कि उनके गधों के साथ साथ कुएं, बावड़िया, बड़े बड़े डैम, आप देखें चित्तौड़ की दीवारें, कुंभलगढ़ की दीवारें, इतनी बड़ी दीवारें, इतने बड़े पैमाने पे पत्थर ले जाना एक चुनौती था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। खड़े तो उनके लिए एक चुनौती था, लेकिन वो पराक्रमी अभी मेहनत के नाम से और समाज जाना जाता है, और अपने मेहनत वजह से ही आज देखें कि इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं। और उसी समय महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में समाज के लोग जब आते हैं, वो न जाने पता नहीं दिल्ली से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, या उड़ीसा से आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं, और यहाँ पर एक हमारे जहाँ ठहरते हैं वहीं पर भगवान चार भुजन आता है, एक मंदिर का वो सुंदर निर्माण करते हैं, महाराणा राज सिंह जी की उनसे पूरी स्वीकृति लेके उस मंदिर का निर्माण होता है। होता क्या है उस क्रम में मैं बताना चाहूँगा थोड़ा मित्रों। उस समय औरंगजेब द्वारा मंदिरों को जो है वो तोड़ा जा रहा था, हिंदू धर्म के ऊपर उस समय तलवार लटक रही थी, औरंगजेब लगातार मंदिर तोड़ रहा था। हम देखें कैलाश मंदिर जैसे मंदिर को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उस मंदिर को भी खंडित कर दिया, ऐसे ही मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। उसी समय में हमारे राज सिंह जी जो थे मेवाड़ के शासक, वो ऐसे शासक थे जिन्होंने धर्म प्रेमी थे, भगवान चार भुजनाथ के सच्चे भक्त थे, उन्होंने उसी जमाने में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। यहाँ काकरोली में भव्य भगवान चार भुजनाथ श्री कृष्ण का बहुत ही द्वारिकाधीश का जबरदस्त मंदिर बनाया है, वो मंदिर भी यहाँ मौजूद है। और सभी समाजों को यह कहा गया था, चाहे धोबी हो, मोची हो, तेली हो, जितनी समाजें हैं और हिंदू प्रेमी समाज है, सबसे कहा गया था कि आप अपने अपने समाजों के अपने अपने ठाकुर जी के मंदिर बनाइए और सेवा पूजा अर्चना चालू कीजिए। उसी जमाने में सबसे ज़्यादा मंदिर बने थे, जो आज भी हम देखें कि पूरे राजसमंद को देवनगरी से नाम से जाना जाता है, आज ये देवनगरी राजसमंद विख्यात है। हम यहाँ से पास ही देखेंगे तो यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है जिसको हम बोलते हैं भगवान चार भुजा, जो मेन मंदिर है वो यहाँ से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर है, बड़ा भव्य मंदिर है, और हर जुलझुली एकादशी में लाखों लोग वहाँ पर जुलझुली में भाग लेते हैं।
यहाँ पे हम देखें राजसमंद में, तो यहाँ पे जल जुलनी एकादशी को भी हजारों लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी जो पाल है इस पर इतने लोग आते हैं, और पूरा जो ये झील है पूरे लाल रंग से रंगी जाती है उस समय, इतना ज़बरदस्त गुलाल के साथ ढोल यात्रा निकाली जाती है। बहुत ही ये खुशी की बात है, हिंदू का जो त्यौहार है सबसे बड़ा और पारंपरिक त्यौहार है। इतनी बड़ी झील होना उस जमाने में आप देखें कि कितनी बड़ी झील है, इतनी बड़ी झील थी, इतनी बड़ी झील होने के बाद भी आप देखें कि इतना विशाल समुंदर की तरह पानी भरा हुआ है, और पिछले साल बरसात नहीं हुई थी इसलिए झील जो है वो काफ़ी खाली रही है। काफ़ी पानी इसका सिंचाई में काम में जाता है, काफ़ी पानी यहाँ पर पीने में काम में लिया जाता है, तो ये राजसमंद की एक लाइफलाइन है। और अभी प्रशासन ने आप देखें कि इस तरफ मैं बताना चाहूँगा कि अभी कितना विकास किया, आप देखो पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर बोटिंग व्यवस्था यहाँ पे की गई है, उसके साथ साथ ही यहाँ पे कुछ ही समय के बाद एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था जो उदयपुर से उड़ान भरेगा और कुंभलगढ़ होता हुआ राजसमंद में, यानी 3 फोर्ट वो दिखाने वाला, तो एक नई शुरुआत है प्रशासन की। उसके बाद में ये जो नौ चौकी पाल है ये पूरी जर्जर व्यवस्था में थी, पूरी की पूरी यहाँ पे चोर उचक किए पाउडरे ऐसे लोग गलत लोग आके बैठते थे, और हाल ही में 2-3 साल में देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक परिवर्तन आया है। उसके बाद में यहाँ पे व्यवस्थाएँ सुधरी है, पेड़ पौधे लगाना शुरू हुआ है। मेरे मित्र गौतम जी कलिया जब यहाँ पर थे तो उनके नेतृत्व में यहाँ बहुत सुंदर जो है पेड़ वगैरह सब लगाए गए और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, और आप देखिए सारी शानदार तरीके से रंग रोगन जीर्णोद्धार का काम लगातार शुरू है, और आने वाले समय में ये विश्वविख्यात तो ये है ही है राजसमंद की बात, आने वाले समय में और भी ज़्यादा विश्वविख्यात बनेगी, पर्यटक की दृष्टि से भी और ये लगातार वृद्धि करती जा रही है। आप देखिए ऊपर देखिए पहाड़ की तरफ सर्किट हाउस वगैरह, पहले के ज़माने में जब ब्रिटिश काल आया था तो ब्रिटिश काल हमेशा अंग्रेज लोग हमेशा ऊंची जगह रहना पसंद करते थे, उन्होंने आप देखें कि सर्किट हाउस जैसे बड़े बड़े यहाँ पे उन्होंने अपने कार्यकाल में भवन भी बनाए, राजा महाराजाओं के महल भी देखोगे तो देखोगे तो आपको पुराने महल इधर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, और पहाड़ियों के ऊपर ही उनका जो है पूरा महल वगैरह बने हुए हैं। और महाराणा राज सिंह जी जो थे वो कुंभलगढ़ में इनकी पूरी जो संतलत है राजसमंद की ये इनके नेतृत्व में थी, मेवाड़ के एकमात्र धर्मवीर और विकास पुरुष कहे जाते हैं महाराणा राज सिंह जी का। महाराणा राज सिंह जी का कार्यकाल शुरू होता है 1652 से शुरू होता है, और 14 साल के इनके कार्यकाल में ये इसका 14 साल तक इसका काम होता है, और महाराणा जो राज सिंह जी का कार्यकाल है वो 1780 तक रहता है, यानी 1852 से उनकी शुरुआत होती है और 1780 तक उनकी कार्यकाल रहती है। तो हम चित्तौड़ की दीवारें देखें जो जर्जर अवस्था होगी, जो अलादीन खिलजी ने हमले किए थे वो उसका जीर्णोद्धार महाराणा राज सिंह जी ने करवाया। उसके बाद उदयपुर में अंबा माता का जो मंदिर है वो महाराणा राज सिंह जी ने करवाया। जगदीश मंदिर जो जर्जर अवस्था था उसका जीर्णोद्धार महाराणा राज सिंह जी ने करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में जय संबंध का जो काम अधूरा पड़ा था उसको पूरा करवाया, राज संबंध की पूरी जो नौ चौकी पाल है ये नहीं पूरी बनवाई, तो उनके जीवन में वो विकास पुरुष थे और विकास पुरुष को उन्होंने साबित भी किया है, इसीलिए झील आज नगर वासियों को शोभा बढ़ा रही है, आज इतिहास भी जा रही है। उस जमाने में कितने लोग 20,000 लोग होंगे, और आज यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं और इसी जल झील का पानी पीते हैं, इसी झील का पानी का वो उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे राजा महाराजाओं ने बहुत ही सुंदर और सराहनीय काम किया है जो आज सरकारें भी नहीं कर पा रही है। आज सरकारें कहीं झील बनाती है तो गांव के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, साहब हमारी खेती डूब रही है डूब रही, लेकिन उस जमाने में आप देखो कैसे महान लोग थे कि राजा का एक आदेश होता था और वो लोग सब समर्पण भाव रखते थे, सब लोग अपने निस्वार्थ भावना से सारा जो है दिल खोल कर दे देते थे, जमीन हो जायदाद हो धन हो दौलत हो सभी समर्पित करते थे, देश हित में जनहित में सब समर्पित करते थे, ऐसे महान लोग थे। ऐसे महान लोगों में शत शत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। राजसमंद से जुड़ी हुई अगर इतिहास की कुछ आपको देखनी हो तो यूट्यूब चैनल गोविंद लाल ओरो पर जाए, वहाँ आपको मिलेगी। अगर राजसमंद से जुड़े इतिहास के बारे में चाहते हैं तो राजसमंद लिखें, और प्राचीन इतिहास रणछोड़ जी जो इतिहास जिनके द्वारा ये पूरा लेख लगे हुए हैं पूरे भाषण को संरक्षित किया गया है, अगर कोई संस्कृत पढ़ना जानता है तो वो उनको पढ़ सकता है। ऐसे महान महान लोग हमारे देश में रहे हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लेकर शोभा बढ़ाई है, और मैं हम गर्व से कहते हैं कि हमारे और समाज की भी यहाँ पे एक बड़ी भागीदारी रही है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा काम किया, यहाँ से खुदाई की फिर वहाँ से भराई की वो भराई की 14 सालों तक इतना बढ़िया सुंदर काम किया जो हम आज नहीं कर सकते, जो हमारी
जो हमारे पास जेसीपी है, मशीन है, पोकलैन मशीन है, पता नहीं कौन कौन सी मशीन है, डंपर है, रोलर है, लेकिन उस ज़माने में कुछ नहीं था। उस ज़माने में हाथों से ही कुटाई होती थी, हाथों से ही भराई होती थी, हाथों से ही सारा काम होता था। तो उस ज़माने में चुनौती भरा काम था। तो हमारे महान लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा काम किया कि आज हमारी भी शोभा बढ़ाई है, हमारे समाज की शोभा बढ़ाई है, और धर्म की शोभा बढ़ाई है, राष्ट्रों की शोभा बढ़ाई है, देश की शोभा बढ़ाई है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और यहाँ जब आते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और बार बार आने की इच्छा होती है। एक बार आप भी ज़रूर आए, और मैं और समाज के खास करके आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी ज़रूर आए, इस झील पर आए, अपने पूर्वजों को नमन करें, उनको नमस्कार करें कि ऐसे महान लोग थे हमारे जो इतना अच्छा काम किया। पूरे देश के अंदर कोई भी अवशेष नहीं रहा है मित्रों, एक ही अवशेष है, भगवान चार भुजनाथ का मंदिर है, जो हमारे समाज के लोगों ने बनाया, जो राजसमंद के हर एक बच्चा कहता है कि और समाज के लोग इतने सारे आए थे, इतने सारे गधे के साथ आए थे, इतना काम करते थे, इतने ही बलशाली थे, एक दिन में कुआ खोद देते थे, बावड़ी खोद देते थे, पत्थर तोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को मान सम्मान और गौरवता प्रदान करती है। क्षत्रिय हमें बल से कहा गया है, हमने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन हमने इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक बड़ी बड़ी नहरें खोदी है, तालाब खोदे हैं, बड़े बड़े महल, घरों के दीवारें, सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसलिए हमें हमको भी इस धरती पर लेकर कुछ कर गुजरना चाहिए, इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब क्योंकि आधुनिक ज़माना है, तो हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। शिक्षा की पद्धति लेकर आज हमें राजनीतिक, सामाजिक, हर एक स्तर पर हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें हमारे भी प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे भी नेता बने, हमारे भी अच्छे साहित्यकार बने, हमारे भी अच्छे वैचारिक लोग हो, और हमारे भी अपनी एक फिलोसफी हो, और हमारे भी अपना एक प्रतिनिधित्व हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ कि आप सभी हम सहयोग देंगे, आप सभी अपने आप को पहचानेंगे, आप अपने दिल को पहचानेंगे, आप अपने अंतरात्मा को पहचानेंगे। और अगर आप वास्तव में हैं सगरवंशी, अगर आप वास्तव में हैं सगरवंशी हैं तो आइए, अगर आप वास्तव में भागीरथवंशी हैं तो आइए, अगर आप माँ जसमा के संतान हैं तो आइए। साबित करने का मौका आ गया है, सामर्थ्य दिखाने का मौका आ गया है कि अब हमने समाज के अंदर अच्छाइयों को, बुराइयों को मारकर अच्छाइयों को हमें प्रकट करना है, और हमें भी ऐसा काम करना है कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी कहे कि वाह, क्या लोग थे दीवाने, अपने समाज के बारे में कितना सोचते थे, कितनी चिंता करते थे। दोस्तों, धन से सिर्फ वस्तुएं खरीदी जाती है, और मेहनत और परिश्रम और त्याग और बलिदान से अच्छी अच्छी बड़ी से बड़ी जंग जीती जाती है। तो आइए सब मिलकर इस जंग को जीतें, क्योंकि आज आधुनिक युग है, बटन का दौर है, शिक्षा का दौर है। इस शिक्षा के दौर में हम भी आगे बढ़कर इस समाज की शोभा बढ़ाएं। और आप देखें कितनी सुंदर झील है, बहुत ही। तो ये राजसमंद की सुप्रसिद्ध झील है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे नौचुकी झील कहा जाता है, मानव निर्मित झील है ये। और मेवाड़ में ऐसी कई हज़ारों छोटी छोटी सरोवर, छोटी छोटी झीलें हैं जो पहाड़ियों के मध्य बसी हुई है। आज देखिए परिवार के हमारे सदस्य आए हैं देखने के लिए, श्रीमती जी मेरे साथ में हैं, बेटी भी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा जब सुना कि ऐसा हमारे लोगों ने यहाँ काम किया, हमारे लोगों ने यहाँ इतने साल तक गधों से मजदूरी करके इतने बड़े टीले बनाए, कैसा लग रहा है? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, गर्व की बात है। हमको क्या गर्व की बात है? तो हमारे समाज ने, बेचारे ने इतना खड्डा खोद के तालाब इतना तो देखो इतनी मेहनत की है, और इतनी मेहनत के बाद हमारे पराक्रमी लोग, मेहनत कश लोग जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो कब कब आते हो यहाँ पे तुम? हम आते हैं ना, एक महीने में दो बार आते हैं। एक महीने में दो बार? अच्छा, क्या करते हो यहाँ के? आके मंदिर पे जाते हैं हमारे, फिर यहाँ राजसमंद आते हैं झील के पास। कुछ यादें ताजा करते हो यहाँ के? गधे नहीं है तो क्या हुआ, आके महसूस तो करते। तो देखो उस ज़माने में एक व्यवस्था ही थी और मेहनत की व्यवस्था ही थी, तो कितना सुंदर है कि आज हमारे लोग मेहनत करते थे, गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम मेहनत कश परिवार से हैं। और बहुत ही सुंदर, चलिए हम आपको ले चलते हैं नौचौकी पाजल झील की ओर।
सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकी झील को, जिसे आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। देख लीजिए कितनी बड़ी सुंदर झीलें, और बोटिंग हर एक प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे बहुत ही सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की जा रही है। सोमवार का दिन है, शाम शाम को बोटिंग का आनंद लेते हैं। पर्यटक खूब आने लगे हैं आजकल, आप भी ज़रूर आएँ, खूब आनंद उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजसमंद की नौ चौकी पाल पर है, घूमने का आनंद। मित्रों राजसमंद की नौ चौकी पाल से सीधा दृश्य, जहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर गार्डन, सुंदर सुंदर यहाँ पे टॉयलेट, हर एक विकास कार्य बहुत ही खूबसूरती के साथ किए जा रहे हैं। लगातार खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं। देवनगरी राजसमंद में बहुत ही खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर क्या बनने वाला है? अपना यहाँ पार्किंग बन रही है। अच्छा, पार्किंग बन रही है, तो सुंदर सुंदर पार्किंग का भी आनंद ले सकते हैं, एकदम बढ़िया। गार्डन का भी आनंद ले सकते हैं। और वो मुझे लग रहा है बहुत ही महंगा आरओ लगाया आपने। हाँ, वाटर कूलर है ना। हाँ, वाह वाह, मज़ा आ गया। आइए राजसमंद आइए, खूब आनंद लीजिए। जब भी घूमने के लिए आए तो राजसमंद जरूर आएँ। बहुत ही खूबसूरत बढ़िया लोकेशन है, बढ़िया लोकेशन है। आप यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चार मित्रों, राजसमंद से सीधा दृश्य, जहाँ नौ चौकी पाल से। शायद आपने नहीं सुना होगा राजसमंद का नाम, आज ज़रूर सुने। और इससे बहुत बड़ी ऐतिहासिक बातें जुड़ी हुई है। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में ये नौ चौकी पाल का निर्माण हुआ था, और कई वर्षों तक ये पूरी चौकी जो है वीरान और खंडर पड़ी रही थी। लेकिन लगातार पिछले तीन चार वर्षों से देख रहा हूँ, लगातार विकास के काम हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर जीर्णोद्धार के कार्य शुरू है, लगातार यहाँ पे गार्डन जो है उनको सुव्यवस्थित किया जा रहा है। और हमारे साथ में कुछ भाई भी हैं। जी, अपना परिचय बताएं सर, कैसा चल रहा है काम? सर, अच्छा काम चल रहा है, जोरों से चल रहा है, अति शीघ्र काम पूरा होने वाला है। ये कैसा लग रहा है, क्या काम करते हैं? अच्छा ही लगेगा सर, अपने यहाँ क्षेत्र में अच्छा हो रहा है। तो सर आप बताएं किस प्रकार का काम हो रहा है और क्या क्या बनने वाला है और नया क्या मिलने वाला राजसमंद वासियों को? राजसमंद नौ चौकी पर अपना पार्किंग क्षेत्र चल रहा है, पार्किंग डेवलपिंग हो रहा है, ठीक है। टॉयलेट अपना स्टार्ट करते हैं महीने भर में, उसके बाद में अपन पार्किंग के लिए बढ़िया ग्रेनाइट वाला पत्थर लगाएंगे एक नंबर। क्या बात है, क्या बात है, जैसे लगेगा वैसा बात है, पहले इसको देखेंगे। क्या बात है, डेवलपिंग अपना एक नंबर होगा। तो आप सामने और देखें तो म्यूजियम भी बना हुआ है। ये महाराजा राज सिंह का पनोरमा है, देखने लायक है। आप अंदर जाओगे बहुत बड़ी मूर्तियाँ वगैरह हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं देखो आप। और यहाँ अपना वर्ल्ड का सबसे बड़ा राजमिस्त्री भी है नौ चौकी पाल पर। आप दिखाओ पर्यटकों को, आकर्षित जगह है बिल्कुल, बिल्कुल मनमोहक। तो राजसमंद आप जरूर आए। हाँ। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में ये नौ चौकी पाल बनी थी। 1652 से 1680 के मध्य इसका लगातार काम हुआ था। महाराणा राज सिंह जी जो थे एक विकास पुरुष कहे जाते हैं, जिन्होंने विकास के दौर में, उस दौर में मुगल बादशाह के दौर में भी काफ़ी विकास किए थे, उसी का उदाहरण यहाँ पे है। तो राजसमंद जरूर आएँ, जब भी घूमने के लिए आएँ। बहुत ही बड़ा यहाँ पे तालाब आपको है, झील है, वहाँ का आनंद उठाएं। तो मछली दाने का भी आनंद ले सकते हैं, झूलों का आनंद ले सकते हैं, सावन के झूल। और मच्छी दाने का जब भी आएँ तो मछलियों को डाला जरूर डालें। आपने तो कुछ बोला ही नहीं सर, कैसा? तो झूले झूलने का भी यहाँ पे खूब आनंद है, काफ़ी झूले आगे भी लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और मछली के दाने भी, अगर आप चाहें धर्म पुण्य करना तो मछली के दाने भी डालिए। ये देखो, ये बमरूबा, ये काली भाई, ये देखो सब बैठा लगा है। तो राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकी पाल, जिसे मैंने बताया था कि ये 500 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है, कई। तो देखिए घूमने के लिए दोनों ही माँ और बेटी दोनों देखो देखने के लिए उत्साहित हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं।
तो ये है राजसमंद की नौचौकी झील, आपने सामने से दृश्य देखा। अब इस दृश्य से आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ही, जैसे मैंने बताया ऊपर देखो पुराना महल बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, और ये नीचे इनका म्यूज़ियम बना हुआ है, और सामने गेवर माता का मंदिर और अनेकों छोटी बड़ी। राजसमंद की नौचौकी झील बहुत ही खूबसूरत। तो राजसमंद नौचौकी झील पर देखें द्वार बने हुए हैं, और ऐसे द्वार यहाँ पे एक दो और एक तीन, तीन द्वार बने हुए हैं। कैसा लगा आपको ये राजसमंद? बिल्कुल अच्छा लगा होगा, तो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बारिश होने जैसा मौसम आ रहा है, बारिश जरूर आएगी। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, राजसमंद से आज लगता है बारिश होगी। आज मौसम बिल्कुल बादलों ने चारों तरफ से घेरा है, बारिश जरूर होगी, जरूर होगी ऐसा लग रहा है। खूबसूरत है तू इतना बताया नहीं जाता, खूबसूरत है तू इतना संभाला नहीं जाता। बहुत ही खूबसूरत राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौचौकी झील। खेलने के भी यहाँ काफ़ी उपकरण है राजसमंद की नौचौकी पाल पर। देखिए बच्चों के लिए भी मनोरंजन की खूब संसाधन है। तो देखिए मनोरंजन, खेल मनोरंजन का पूरा। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई उल्फत ना हमें रोके। हाँ बहुत बढ़िया, कहिए। राजसमंद में अभी अभी हो रही बारिश। Yeah.